हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, आज जो है ना वो मेरा इंगेजमेंट डे है और मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैं देख रही थी कि क्या बन रहा है। तो मेरी छोटी सिस्टर आज मुझे बहुत स्पेशल वाला जो है ना वो नाश्ता करवाने वाली है, ब्रेकफास्ट, और वो उसमें बना रही थी फ्रेंच टोस्ट। और बड़े मज़े से आज मुझे ना बहुत अच्छा फील हुआ, मतलब बहुत उसने ऐसे ट्रे में से जा के मुझे जो है ना वो सर्व किया। तो मैंने कहा चलो यार जल्दी से बना दो, क्योंकि मेरा जो इंपॉर्टेंट काम था ना, मुझे सब ये कह रहे थे कि तुम जाके ना मेहंदी लगवाओ, क्योंकि भाई के साथ जाना था और भाई को और इतने सारे काम थे। तो वो ये कह रहा था कि ये काम करके ना यानी कि मेरी एक ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि मैंने घर का काम करना है, फिर मैं बाहर के जो जितने भी इंतजाम हैं ना वो मैं देख लूँगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, लेकिन पहले मैं नाश्ता करूँगी। भाई नाश्ता जो है ना, नाश्ते के मुतालिक आपने एक कहावत तो सुनी होगी ना, वो कहते हैं ना पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। तो मैं भी जो है ना वो इसी वाले जो है वो अमल करती हूँ इस पर। तो जी यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ और मैंने अपना टोस्ट किया है उसको फोल्ड, और मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे आवाज़ें आ रही थी नीचे से कि जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, जाना है बाज़ार। तो मैंने कहा चलो जी। तो जी अब हम जा रहे हैं मेहंदी लगवाने। तो जी मेहंदी मैं लगा कर आ चुकी थी और मैंने मेहंदी भी वॉश कर ली थी हाथों से पाँव से, और मैं शावर भी ले चुकी थी। और मैं यहाँ बैठी ना ड्राइंग रूम में अपने बाल सुखा रही थी, ड्रायर था नहीं मेरे पास, तो मैं वो देसी टोटके पे अमल कर रही थी कि बस पंखा चला के नीचे बैठ जाओ तो बाल खुशक हो जाएंगे, क्योंकि मेरा भी एक घंटा था पार्लर जाने में और 5 बजे की टाइमिंग थी, फंक्शन रात 8:30 बजे था, तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था। तो ये जो मेरी छोटी सिस्टर ये पैकिंग कर रही है गिफ्ट्स वगैरह जो देते हैं ना इंगेजमेंट पे, वो गिफ्ट्स वगैरह पैक कर रही है। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा व्यू जो है ना वो आपको भी दिखा देती हूँ। तो जी ये बताएं ये बास्केट जो है ना वो किसके लिए तैयार हो रही है? जी तो मैं एक बहुत वो क्या कहना चाहिए, एक बैड इंसिडेंट हो गया था, मतलब ये कि मैं मेहंदी लगवा के आई थी और मेरी मेहंदी का जो उल्टे हाथों पे है ना वो कलर ही नहीं आया था, पाँव पे भी आ गया था और सीधे हाथ पे भी आ गया था, उल्टे हाथों पे कलर ही नहीं आया था। तो जी ये हुआ कि फिर मैंने उनको कॉल की जहाँ से मैंने मेहंदी लगवाई थी, तो वो मैं तो यहाँ वॉश कर चुकी थी, बट वो कहते कि हम आपके डिज़ाइन के ऊपर ही आके ना दोबारा मेहंदी लगा देंगे। तो आगे आप पिक्चर्स में भी देखेंगे के जो है ना वो मेरे हाथ पे मेहंदी लगी हुई है। तो वो यही था कि मैं ड्रेस वगैरह पहन चुकी थी, पार्लर में बैठी हुई थी, मेकअप हो रहा था मेरा, तो फिर उन्होंने अपना जो उनकी एक थी लेडी उन्होंने भेजी थी, उन्होंने आके जो है वो मेरी मेहंदी बिल्कुल सेट कर दी। और वाकई में और बिल्कुल ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत डार्क कलर है बट वो एक्चुअली में मेहंदी थी, बट ख़राब भी हो रही थी जगह जगह से, बट पिक्चर्स में वो बहुत अच्छी आई थी। तो जी यहाँ पर सारे गिफ्ट्स वगैरह पैक हो चुके हैं। शुभ नाद श्रेया
दी सारी खेड़ लकीरा दी गटिया रेशम के अख पिछ गई वीरा दी गटिया रेशम के जिता कुकड़ बने तो जी अब हम जा रहे हैं पार्लर। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैं कहती हूँ ये सबसे गर्म दिन ना आज ही है। और आज इतनी सुबह से लोड शेडिंग हो रही थी कि पार्लर में भी मैं गई तो काफ़ी टाइम मुझे वेट करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जो है ना लाइट नहीं थी तो एसी चल नहीं सकता था। तो वो कहते कि हमने फाउंडेशन लगानी है, बेस जो है वो एसी के बगैर नहीं बन पाएगी। तो ये कुछ क्लिक्स जो हैं वो पार्लर में लिए थे, हाथों पे मेरे मेहंदी लग गई थी तो मैं ज़्यादा शॉट नहीं ले पाई। तो कुछ पिक्चर्स थी जो पार्लर वाली आंटी ने ही ली थी, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा देती।
था मेरा इंगेजमेंट का फंक्शन। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा। दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी और सबके लिए भी। और मेरे पास यही वीडियोस थी, थोड़ी कम थी। मैंने सबको बोला हुआ था कि आप वीडियोस बना लेना, लेकिन किसी ने भी नहीं बनाई। तो फिर जो मेरे पास थी उसी का मैंने व्लॉग बना के शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। अब मैंने सोचा हुआ है कि मैंने किसी पे जो है ना वो डिपेंडेंट नहीं रहना। अगले नेक्स्ट जितने भी फंक्शंस होंगे ना उनकी मैं खुद जो है ना वो मैं बनाऊँगी वीडियोस। अच्छा जी, तो आज की जो एक इम्पॉर्टेंट और मेजर बात थी ना वो ये थी कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू एक गिववे जो है ना वो अनाउंस किया हुआ था, और मैंने यूट्यूब की एक वीडियो में भी बताया था और इसका जिक्र किया हुआ था। तो जी ये दो ड्रेसेस जो है ना ये मुझे गिव अवे करने थे, तो इसके जो विनर्स हैं ना वो मुझे फर्स्ट को अनाउंस करने थे। तो आज फर्स्ट है, तो इसके जो विनर्स हैं वो हैं जी श्रीहा अक्रम और इंशा जान। ये अक्सर मेरी वीडियोस पे कमेंट करती हैं, मतलब मेरी नज़र में हैं। तो इनको जो है ना ये दो ड्रेसेस जाएंगे। तो आप दोनों जो हैं अगर वीडियो देखनी है तो मुझे अपना जो मेलिंग एड्रेस है वो मुझे इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में जो है ना वो भेज दें, तो मैं ये आपको TCS कुरियर या जो भी हुआ वो मैं आपको करवा दूँगी इंशाल्लाह। तो जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।